अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस नई वीडियो के साथ। आज हम आए हुए हैं अफ़ग़ानिस्तान के सूबे कुनड़ में। यहाँ की लकड़ी अफ़ग़ानिस्तान में तो मशहूर है, बल्कि इस लकड़ी का नाम पूरी दुनिया में भी मशहूर है। यहाँ की लकड़ी यहाँ से दुबई, पाकिस्तान, USA जाती है। अगर एक दफ़ा इस लकड़ी को आप इस्तेमाल करते हैं कहीं भी, तो ये सालों साल चलती हैं। ये लकड़ी अक्सर यहाँ घरों और मस्जिदों में ये इस्तेमाल करते हैं फॉर डेकोरेशन। इस लकड़ी की खासियत ये है कि ये लकड़ी पानी से भी ख़राब नहीं होती और ना ही इस लकड़ी में किसी किस्म के कीड़े लगते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफ़ग़ानिस्तान के हर शहर, हर घर में ये लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बनता क्या है? इससे बेड्स वग़ैरह बनते हैं, इससे विंडो वग़ैरह बनती है और इससे अलमारियाँ वग़ैरह बनाते हैं यहाँ के लोग। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैंडमेड ट्रे बनाई जा रही है जो कि ड्राई फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि इन्होंने कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाई हुई है, जो कि इसमें जग है, ग्लास वग़ैरह बनाए हुए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक केटली बनाई हुई है और एस्ट्रे बनाई हुई है और उन्होंने एक टिशू का बॉक्स बनाया हुआ है जो कि इसी लकड़ी का है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये 50 साल से ज़्यादा चल सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं लग सकता, इसको किसी किस्म का पानी ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस लकड़ी का कमाल है। और अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए किसी भी किस्म काइंड की कोई भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें चाहिए, तो आप हमसे बनवा सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। किसी भी किस्म के आपको हैंडीक्राफ्ट चाहिए, किसी किस्म के आपको डिज़ाइन बनवाना है, आप हमें बताएं, हम आपको तैयार करके किसी भी कंट्री में हम आपको ये डिज़ाइंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको अभी ये ग्लास है, पानी के ग्लास, वाटर ग्लास हैं। ये भी वुडन के बने हुए हैं, लकड़ी के ही बने हुए हैं, हैंडमेड। ये सब कुछ आपको जो दिखा रहा हूँ ये हैंडमेड है। और ये एस्ट्रे, सिगरेट दानी जिसे कहते हैं एस्ट्रे, वो ये बनी हुई है। अच्छा, ये आप दो देख रहे हैं, इसको यहाँ कैंडी के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो इसके अंदर कैंडी वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ये लोग। ये भी हैंडमेड है, लकड़ी के बने हुए हैं। अच्छा, ये केतली है, ये भी हैंडमेड है, केतली से। मामा आया, बता बता, साथी बता।
अच्छा, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, बिल्कुल हैंडमेड है ये। ये भी इस अफ़गानिस्तान के सूबे कुनड़ उसके लकड़ी है, जो कि अफ़गानिस्तान में एक नाम से जानी जाती है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं एंडी, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि 50 साल तक ये ख़राब नहीं होगी ये लकड़ी। तो ये एक, इसमें एक देखें, एक जग है और दूसरी जो है कैटल बनी हुई है। तो इसके आप कुछ ग्लासेस वगैरह भी बने हुए हैं, ये भी हैंडमेड ही है। और एक कैटल है और एक ग्लास वगैरह भी है। ये आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का मैप है जिसे नक्शा कहते हैं। ये भी हैंडमेड है, हैंड से बनाया हुआ है इधर। तो अगर आप जो भी मर्ज़ी मतलब इसमें लिखवाना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री का यहाँ मैप बनवाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, USA, एनी कंट्री हो, तो आप यहाँ हम हैंडमेड से ये लोग बना के दे सकते हैं। ये भी इस टाइम तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का मैप ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ था, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने अफ़गानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ आप मतलब कुछ भी लिखवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, किसी भी कंट्री का मतलब के मैप बनवा सकते हैं आप इस टाइप का, फिर बनवा के देते हैं आपको। ये भी हैंडमेड ट्रे है, फ्रूट ट्रे, टी ट्रे, जो भी आप कह सकते हैं इसको। ये बिल्कुल हैंडमेड प्योर लकड़ी की है। तो इसके अंदर जो है वो फूल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, हैंड से हैंडमेड है ये भी।